प्रतिदिन कचरा गाड़ी घरों में ना आने की जनता की शिकायत पर आज शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी द्वारा मनपा के कर्मचारी के साथ भांडीवाड़ी स्थित बीवीजी कंपनी के वर्कशॉप का दौरा किया गया, जहां पर सैकड़ों छोटे बड़े वाहन तकनीकी खराबी के कारण ब्रेक डाउन मिले, जिसमें घरों से कचरा एकत्रित करने वाली छोटी गाड़ियां टाटा एस, मेगा जीप, वारसी, रेडीमिक्स कॉम्पैक्टर तथा टिप्पर का समावेश था। वर्कशॉप का रजिस्टर देखने पर पाया गया कि प्रतिदिन तकरीबन 30 से 35 गाड़ियां रिपेयर के लिए आती है, जिसमें से 7 से 8 ही गाड़ियां सुधार होकर काम पर जा पाती है। अन्य गाड़ियां 15 से 20 दिनों तक या फिर कुछ कुछ तो 4 से 5 महीनों से ब्रेकडाउन स्थिति में खड़ी हैं। यही स्थिति बैद्यनाथ चौक स्थित एजी कंपनी के वर्कशॉप में भी पाई गई। नितिन तिवारी, शहर प्रमुख शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। मैं आज भारतीय विकास ग्रुप के बीवीजी कंपनी, जो शहर का कचरा संकलित करती है, उसके वर्कशॉप में आया हूँ। कामगारों की कंप्लेने मिली, ये देखिए गाड़ियाँ कितनी ब्रेकडाउन गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ, ये पूरी ब्रेकडाउन गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये वह गाड़ियाँ हैं जो रोज रोज कचरा जगह से उठाती हैं, मतलब आपके घरों से रोजाना कचरा उठाकर उस कचरे को एक जगह इकट्ठा करके भांडेवाड़ी डंपिंग में लेकर आती हैं। ये पूरी बड़ी और छोटी गाड़ियाँ, ये तमाम गाड़ियाँ ब्रेकडाउन खड़ी हैं। सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ देखिए, ये पूरी गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ देखिए ब्रेकडाउन, ये आरसीज खड़ी हैं, ये कॉम्पैक्टर खड़े हैं, खैर ये टिप्पर वर्क क्या है, ये ब्रेकडाउन आरसी है, ये आरसी है, ये देखिए कितने दिनों से ये आरसी खड़ी हुई है। और इस प्रकार से देखेंगे तो मेरा तो अनगिनत कम से कम यहाँ पे 100 गाड़ियां ब्रेकडाउन है। ये गाड़ियां यदि ब्रेकडाउन है तो शहर का कचरा उठ कहां से रहा है? यदि लोड कांटे पर देखा जाए तो रोज का 750 मैट्रिक टन का रोज कचरा बीवीजी ला रही है और उसके एवज में 1800 रुपए ले रही है। यही हाल एजी कंपनी का भी है, यही बीवीजी का भी है। डॉक्टर चौधरी साहब, मनपा आयुक्त, घन कचरा उपायुक्त डॉक्टर मोहल्ले साहब, अर्चना गोयल मैडम, अतिरिक्त आयुक्त नागपुर शहर और डंपिंग इंचार्ज राठौर साहब, मैं आप सबको करबद्ध निवेदन करता हूँ कि ये गाड़ियां यदि है, ये स्कैम है, ये स्कैम है। यदि गाड़ियां यहां खड़ी हैं तो कचरा उठ कहां से रहा है? इसका मतलब बीच में झोल जरूर है और इस झोल को बहुत जल्दी शिवसेना स्पष्ट करेगी और ये झोल के पीछे आपको जांच बिठानी चाहिए। आप अगर पीछे भी आएंगे, ये गाड़ियां सब ब्रेकडाउन होके सब खड़ी हैं। अब जितना भी मैं इस पूरे यार्ड में घूम रहा हूँ, ये इतना बड़ा प्लाट है लेकिन यहाँ पर घूम रहा हूँ, ये देखिए पूरा का पूरा वो आगे तक गाड़ियां ब्रेकडाउन गाड़ियां खड़ी हैं। ये इधर गाड़ियां खड़ी हैं, ये ब्रेकडाउन गाड़ियां खड़ी हैं, ये इधर जितनी भी ब्रेकडाउन खड़ी हैं। आदरणीय मनपा आयुक्त श्री चौधरी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुरंत के तुरंत इन कबाड़ गाड़ियों को क्लियर करवाया जाए। और यदि ये गाड़ियां रोड पर नहीं हैं और यहाँ गाड़ियां एक एक महीने, दो दो महीने से, चार चार महीने से इंजनों के लिए गाड़ियां खड़ी है, ये एक प्रकार का स्कैम है। यदि ये नहीं है तो कचरा आ कहाँ से रहा है? और कचरा आ नहीं रहा है तो ये इतना लोड जा कहाँ से रहा है? इसकी जाँच की आवश्यकता है। तुरंत तुरंत एजी और बीवीजी के वर्कशॉप पर धाड़ मार के नागपुर महानगर पालिका के लोगों को भेजकर इसकी जाँच कराई जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसकी जानकारी तिवारी द्वारा मनपा अति आयुक्त नागपुर शहर अर्चना गोयल को दी, परंतु अति आयुक्त की इस विषय के प्रति उदासीनता देख जानकारी घन कचरा उपयुक्त गजेंद्र महले को देते हुए तिवारी ने पूछा कि जब प्रतिदिन एजी बीवीजी कंपनी के सैकड़ों वाहन ब्रेकडाउन है, फिर कांटे पर कचरे का वजन तकरीबन 1300 मैट्रिक टन कैसे जा रहा है? इसकी जाँच की जाए और करारनामे के अनुसार यदि वाहनों द्वारा प्रतिदिन घरों से कचरा एकत्रित नहीं किया जाता तो प्रति वाहन प्रतिदिन 200 और इसकी पुनरावृत्ति होने पर 400 और इसका दो गुना करने का प्रावधान होने के बावजूद महानगर पालिका उदासीन क्यों है? तिवारी ने इस मामले की तत्काल जांच करने की मांग की, अन्यथा रास्ते पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।